में एक कॉर्नर, एक कॉर्नर आपके राइट साइड में। तो मैं जा रहा हूँ हिडम्बा टेम्पल, आपको दिख रही है साता लेक। एक सांस में ऊपर तो आ गया मैं, लेकिन अब थकान महसूस हो रही है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, और शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग की। तो आज मैं जा रहा हूँ हिडम्बा टेम्पल, हिडम्बा धाम, जो कि है 7 ताल से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक सीधे ऊपर टॉप हिल में। तो चलिए चलते हैं हिडम्बा धाम की तरफ। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं हिडम्बा टेम्पल का। मैं निकल गया हूँ मेरे घर से, और यहाँ से मुझे जाना होगा पहले 4 किलोमीटर 7 ताल, और उसके बाद हम करेंगे ट्रैक। तो आने वाला है बहुत मज़ा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं हिडम्बा टेम्पल के ट्रैक पे। मैं हूं अभी 7 ताल रोड पे, और अभी मुझे जाना है, मैं आपको दिखाता हूं वो टॉप पे, उस टॉप के ऊपर मुझे पहुंचना है अभी। तो वहां पे है वो खूबसूरत सा मंदिर, तो लेके चलता हूं आपको। तो चलिए मेरे साथ। आगे मैं अपनी बाइक करूंगा पार्क। तो यहाँ कहीं स्कूटी कर देते हैं पार्क, एंड अब यहाँ से हमें करना है ट्रैक। वैसे तो रोड भी गई है वहाँ पे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि ट्रैक करें, क्योंकि ट्रैक का अपना अलग ही मजा है। तो लेके चलते हैं आपको ट्रैक पे हिडम्बा टेम्पल के। लॉक कर देता हूँ, ये हो गया लॉक अच्छे से। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे KMVN है 7 ताल का, और ये रोड आगे गई है जहाँ पे है मार्केट 7 ताल की छोटी सी, जहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं नींबू पानी वाले और ऑल, और बोटिंग वहाँ से ही वहीं से होती है, यहाँ से अराउंड 100 मीटर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है 7 ताल लेक, जो कि ये बहुत ही खूबसूरत, और आजकल तो बहुत ही पीसफुल है, यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है और कोई भी टूरिस्ट नहीं है। अदरवाइज़ तो ऑल टाइम में यहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं मिलती है 7 ताल में, इतना क्राउड ही रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, और मेरे आगे से अभी गया है बार्किंग डियर, वो दिखा आपको, वाह। और इस ट्रैक के दौरान हमें मिलने वाली हैं बहुत सारी बर्ड्स, और कुछ जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा फॉरेस्ट है, पाइन फॉरेस्ट, चीड़ का जंगल, और मेरे लेफ्ट राइट साइड में है बांज के कुछ पेड़, और ये देख रहे हैं आप, सो इट्स कॉल्ड लेंटाना बुसेस, कूरी की झाड़ियाँ। तो ये थोड़ा एडवेंचरस वाला है ट्रैक। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो वैसे मैं आया हूँ अकेले ही, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना डेंस फॉरेस्ट है। तो ये फॉरेस्ट को मेरे को क्रॉस करके ऊपर जाना है, मौसम भी आज पूरा खुला हुआ है। चलिए देखते हैं कुछ मिलेगा अभी, हमें बर्ड्स भी मिलेंगी इस ट्रैक पे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ आगे की तरफ। तो ये देखिए आप जंगल का खूबसूरत सा ट्रैक, और उतनी सुंदर हरियाली, ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है। वो देखिए धूप छन के सीधे मेरे फेस पे आ रही है, वो आपको पेड़ दिख रहे हैं वो लंबे लंबे, वो सारे चीड़ के पेड़ हैं जिसको बोलते हैं पाइन। और धूप देखिए कैसे छन के सीधे फेस पे आ रही है। तो वैसे तो मुझे पता था वहाँ पे रोड बन गई है, कच्ची रोड बनी है वैसे,
जिस पे खाली बाइक जा सकती है, टू व्हीलर। तो मैं बाइक लेके नहीं आया और स्कूटी लेके आया, क्योंकि स्कूटी नहीं है तो स्कूटी मैं लेके नहीं गया। वहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है तो मैंने सोचा कि ना ट्रैक करके जाया जाए, ट्रैक करने का अलग ही मज़ा है। और जो मुझे अभी आ रहा है, वाह, धूप देखिए पीछे से आ रही है और आज तो धूप भी बहुत तेज है। तो चलिए चलते हैं, ऊपर से कुछ नज़ारे दिखाएंगे आपको सुंदर सातताल लेक के। और ये बहुत बुरा कि लोग ऐसे कूड़ा करके जाते हैं। कुछ होते हैं गंदे लोग जो हर जगह अपनी छाप छोड़ देते हैं। तो अगर आप इतने सुंदर ट्रैक में आए और ऐसा कूड़ा आपको देखने को मिले रास्ते में, तो प्लीज़ उठा के बैग में डाल लें। हर जगह पे देखने को मिलता है और ऐसा ना करें, इतनी सुंदर प्लेस को गंदा करते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता। और ये मुझे मिला है पाइन, ये चीड़ का है ये कोन, जो लंबे पेड़ मैंने आपको दिखाए थे सो उसी का कोन है ये। और बचपन में इसके अंदर जो उसके सीड होते थे, बेसिकली इसके अंदर, तो हम इसको जला के उसके सीड को खाया करते थे, जिनको हम बोलते थे श्यूते। पता नहीं आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, बट उनको जला के हम उनके अंदर जो सीड होते थे उनको खाते थे निकाल निकाल के, और उसकी खीर भी बनाते थे तो बहुत ही टेस्टी होती थी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और क्या है नया। और भी बहुत सारे कोन हैं यहाँ पे, तो ऐसे कोन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ट्रैक के दौरान, जिनको आप कलर करके घर पे सजा भी सकते हैं। थोड़ा स्टीप तो है ट्रैक, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। आप लोग इजीली विद इन 40-50 मिनट्स आप लोग ऊपर पहुंच जाएंगे मंदिर में। मुझे लगेंगे 20 से 25 मिनट हार्डली। तो थोड़ा आज गर्मी भी बहुत है, थोड़ा पी लेते हैं पानी, और पानी की बोतल आप ज़रूर कैरी करें, कुछ फ्रूट्स अगर आप कैरी कर पाएँ तो। और अकेले आप इस ट्रैक को कर सकते हैं, अगर दोस्तों के साथ आएँ तो और भी बढ़िया है। तो लेते हैं एक ड्रिंक्स ब्रेक। दोस्तों के साथ करें तो ज़्यादा मज़ा है, अकेले थोड़ा बोरिंग है, पर ठीक है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप देखिए बर्ड्स की आवाज़, चिरपिंग की कॉ, बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं और एकदम शांति, बहुत ही पीसफुल है, थैंक्स गॉड। बर्ड्स घूम रही है मेरे आसपास, और ऐसा एक्सपीरियंस आपको सिर्फ पहाड़ों में मिलेगा। तो 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप ऊपर फिर से चढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्टीप है, पहले थोड़ा थकान लगेगी उसके बाद इजी हो जाएगा। और जो ऊपर से व्यू आएगा वो तो देखते ही बनेगा। चलिए चलते हैं मेरे साथ आगे की तरफ। बेसिकली जहाँ लोगों को सुबह लेट में उठ के 8-10 बजे उठ के चाय की तलब लगती है, मुझे तलब लगती है इन खूबसूरत पहाड़ों पे घूमने की। वाह, इट्स ऑसम ट्रैक, इनका इसका अलग ही मज़ा है। अगर ये मज़ा लेना है तो चले जाइए उत्तराखंड और लीजिए इन पहाड़ों का मज़ा, खूबसूरत वादियों का। और बाइक रूट पे मैं अभी चल रहा हूँ, थोड़ा डेंजरस है सो बी केयरफुल अगर आप बाइक लाने की यहाँ पे सोच रहे हैं तो। इस तरीके का कुछ रूट है और उस पहाड़ी पे दिख रहा है हमें सूर्या गांव, छोटा सा गांव है, वहाँ पे 2-4 होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ से टॉप व्यू आता है सातताल का। उस टावर के पीछे हो, जो आपको टावर दिख रहा है वहाँ पे, उसके पीछे है जंतवाल गांव। तो
थोड़ा सा ऊपर और आने के बाद मुझे लेक के दोनों छोर दिख सकते हैं, और ये है आपके लेफ्ट में एक कॉर्नर, एक कॉर्नर आपके राइट साइड में। तो मैं जा रहा हूँ हिडम्बा टेम्पल, आपको दिख रही है सातताल लेक। ओ भाई साहब, हाँ, एक सांस में ऊपर तो आ गया मैं, लेकिन अब थकान महसूस हो रही है क्योंकि धूप एकदम सर पे चढ़ गई है, धूप बहुत तेज है। और हम लोग आ पहुँचे हैं मंदिर से कुछ ही दूरी पे, पीछे पानी का टैंक और कुछ ही दूरी पे मंदिर। तो चलिए ले चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम लोग आ गए मंदिर परिसर में, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बाबा जी ने यहाँ पे बहुत सारे नए प्लांट ग्रो किए हैं, बहुत सारी नई प्लांटेशन भी लगाई हुई है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, उतनी अच्छी साफ सफाई। वाह, देखते ही बनता है ये तो। ऊपर पूजा हो रही है, तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, जय माँ हिडम्बा। आधा घंटा पूजा में बैठने के बाद, आरती में बैठने के बाद, अभी आरती हो चुकी है ख़त्म। और ऐसा माना जाता है हिडम्बा देवी का टेंपल जो है ये यहाँ के गांव वालों की और पशु पक्षियों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की और जंगलों की रक्षा करती है माता। तो इनकी बहुत मान्यता है, सभी लोग इनको पूजने आते हैं और इन्हीं का आशीर्वाद बना हुआ है। मिल रहे हैं बाबा भारती जी से जी। तो आपको बताएंगे बाबा भारती जी कुछ यहाँ के बारे में, हिडम्बा देवी के बारे में, वन वन देवी जो है हमारी उसके बारे में, और जो उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी है, प्राकृतिक जीवों पे बनी है और वनस्पतियों पे जो बनी है, पेड़ पौधों पे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो आइए सुनते हैं बाबा जी से। जाएगा कि मेरा नाम मनोहर भारती है और मैं आवाज़ अखाड़े का सन्यासी हूँ। मैं पिछले एक महीने से यहाँ हिडम्बा धाम पर आया हूँ। यह हिडम्बा धाम जो नैनीताल से नज़दीक सात ताल पर है, स्थापित है, और सुना है कि यहाँ जो बाबा जी ने बताया है, यहाँ वनखंडी महाराज निवास करते हैं। वनखंडी महाराज के पूरे जीवन की तपस्या इन वनों को हरा भरा करना, यहाँ के पक्षियों को, यहाँ के वन्य जीवों को संरक्षण देना, और यहाँ जो लोग आते हैं उनको सबको प्रेम बांटना, सबसे बड़ा काम उनके पास ये है। और उसी से आध्यात्मिक की जो गतिविधि है, जो संत परंपरा है और जो सनातनी पद्धति है, उस सबका विस्तार हो रहा है, उसका संरक्षण हो रहा है। तो हम यही सब काम करने के लिए साधु संत लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान स्वस्थ रहे और उसे किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, कोई दोष ना हो उसमें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, पड़ोसी हमारा अच्छा रहे तो पड़ोसी देश भी हमारा अच्छा रहे। जी जी। और इसी भावना के साथ में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो आजकल जो नई बीमारी आई है कोरोना,
कोविड, तो इसके बारे में कुछ? इसके बारे में एक ही बात कहूंगा कि जो प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं जरूरी, जैसे आपने अपने घर में चूल्हा जलाया है उस पर आपने पानी गर्म रखा है, तो एक निश्चित समय तक तो पानी गर्म होगा, लेकिन उसके बाद तो वो पानी भी जल जाएगा और बर्तन भी जल जाएगा। सही बात है, पानी उबाल तो जरूर आएगा। वही स्थिति हमने करी है कि प्रकृति से हम जो पाना चाहते हैं उतना तो पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसको खोद खोद के खा रहे हैं, उसमें सही बात है अनावश्यक हम कर रहे हैं उसका, उसमें कई प्रकार की चीजें मिक्सित कर रहे हैं, फसल को उगाने के लिए कई प्रकार की खादें केमिकल वगैरह यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक दूध बना रहे हैं, प्लास्टिक के चावल बना रहे हैं। कुछ पड़ोसी देश हमारे इतने बदमाश है कि जो इंसान की जिंदगी के साथ खेल कूद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति सबको लामबंद होकर खड़े होना पड़ेगा। सही बात है, और ये संत परंपरा ही इस मामले में आगे आएगी, आयुर्वेद ही आगे आएगा। चलिए, बहुत खुशी हुई बाबा जी आपके बारे में सुन के, और वन देवी हम सबकी रक्षा करे। चलिए, जय हो बाबा, नमो नारायण। लेते हैं बाबा जी से प्रसाद। चलिए चले चलते हैं घर की तरफ। बोलो सांचे दरबार की जय। हेलो, आप भी आओगे तो चलो बोलो। हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है। अरे भाग रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं तो चला घर की तरफ। तो होप आप सभी लोगों को हिडम्बा टेंपल के ट्रैक का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ट्रैक करना पसंद है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो और मंदिर का एनवायरनमेंट कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।